मतलब रियली आई मीन वर्कल इज लव। इतना अच्छा एम्बियंस गोवा के बाद अगर देखेंगे आप वर्कला सी बीच पर। अभी रिसेंट जो स्टैटिस्टिक्स है एक्चुअली जितने भी फॉरेनर्स एक्चुअली वो गोवा से ज़्यादा वर्कला को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए आपको बहुत दिखेंगे फॉरेनर्स, क्योंकि गोवा अभी बहुत क्राउडेड हो चुका है, बहुत थोड़ा पोल्यूटेड हो चुका है, तो थोड़ा लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। भाई ये कितने का है यार, कितने का है ये? कुछ भी लगा दो, एक देखो साउंड देखते हैं पहले, कुछ अच्छा वाला साउंड दिखाओ। आहा अब मैं ट्राई करता हूँ, रुको। मजा नहीं आ रहा वाला, हल्का है थोड़ा, है ना, हल्का है। बजा तो मैं सही, ठीक है। वाह देखा तो पहली बार शासन की आंखों में। थैंक यू। कितना का ये? 2000। वेरी चीप। टू थाउजेंड बहुत ही सस्ते में बेच रहा है यार, है ना? Hi, you are from? Yes. Sorry? Pakistan. Pakistan! Oh my god, you are lying. You are damn lying. You are from? Tell me the truth. France. France. Bonjour. Bonjour. Oh, actually last time I visited in this Paris. Yes. Eiffel Tower. It was nice. Yeah, it was very nice. I enjoyed it actually. Only Paris. Paris, then Switzerland. Okay, then the Disneyland also. Disneyland. Yeah, that is very good here. Yeah. I mean, I enjoy like anything. Okay, nice. I will go again. Where do you come from? I'm from India. Where? India, actually, it is from, you heard Kolkata? Yeah, yeah. You know? West Bengal. Yes, how, man? My name Kumar. Kumar? You are lying again. He's making fun of us. You are lying. Anyway, nice to meet you. Nice. How are you enjoying India? Yeah, very nice. It is your first time or? Many times? Yeah, 4 times, 5 times. So you love to visit India? Okay, nice. So what's special actually about India? Many things. And all the region is different. So yeah. So actually you visit Kolkata also, then Kerala and? No, Kolkata. I was in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Then? Delhi also? Goa. Okay. Rajasthan. Okay. Gujarat. Gujarat also. There is Modi ji. Tamil Nadu. Okay, so you know Modi? Yeah, man. Oh my god. Minister. Oh my goodness. Okay, yaar. Nice to meet you. See you. Oh my god, such a freaking guy. Oh my goodness. आप गोवा बीच भूल जाओ, यहाँ पे आके देखो एक बार वर्कला. You will be lost. In God its own country. भाई एक अभी जो recently जो स्टैटिस्टिक आता है ना, लोग गोवा छोड़ के अभी वर्कला आ रहे हैं. डिमांड बहुत बढ़ गया पहले से, इसलिए तुम वर्कला में फॉरेनर्स के स्टैटिस्टिक देख लो, तुम बहुत ज़्यादा हो गया अभी पहले से, क्योंकि वो जो क्लिफ का जो व्यू है ना वो बहुत सही है. नहीं बीच तो हर जगह होंगे, पर ये क्लिफ का जो अलग बीच में फ्लैट है. हाँ मुझे मन कर रहा है मैं नहा लूँ यार, पानी बहुत ठंडा है, पानी थोड़ा ठंडा है यहाँ का. जितना भी लोग है सब अपने अपने मूड में है, जिसका जो मन कर रहा है वो वही कर रहा है. देयर इज नो लिमिटेशन, नो कंस्ट्रेंट, जो मर्जी में आए लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम. और जहां पे फ्रीडम है वहां पे बहुत हैप्पीनेस है. वो पैराग्लाइडिंग है एक्चुअली, हम लोग भी कर सकते हैं. करना है तुझे?
रोशन जी माहौल कैसा है सच बताइए। एक स्टैटिक माहौल, वाइब्रेंट, जितना भी एडजेक्टिव डाल दो इसमें। इधर से बहुत ही खूबसूरत नजारा चारों ओर। इधर थोड़ा चलना है क्या पानी में? थोड़ा पानी में अपना जूता साफ करके आते हैं, थोड़ा आते हैं ना, जूता को खोल खोल के आते हैं जूता को। बहुत बालू बालू घुसे अंदर। थोड़ा साफ करते लेते हैं। ओह माय गॉड, रोशन साहब चढ़ चुका होगा, वो चढ़ चुका है। ये अच्छा पानी है, इधर 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 से चलना है ना, देख ऊपर चढ़ के पहनना। चलो यार फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर चढ़ के पहनूंगा मैं। यू मस्ट विजिट वर्कला। चलते हैं फिर निकलते हैं। वो बाइक स्टैंड में जाके रुका होगा। यहाँ पे शाम के ना 6 बजे के बाद माहौल देखना एक बार। अब तुम्हें पता चल रहा है ना लोग क्यों गोवा छोड़ के यहाँ पे आते हैं। निखिल समझ में आ रहा है ना, अभी पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है यार। इवन नाइट लाइफ ऑल्सो इम्प्रूव अ लॉट एक्चुअली। सुपर। देखो यार ये सब यहाँ पे ना पूरा भर जाएंगे, लाइव कॉन्सर्ट, म्यूजिक, हाँ, हुक्का, एवरीथिंग।